चेहरे की झाइयों के लिए, चेहरे के डार्क स्पॉट्स धब्बों के लिए, काले निशान के लिए, एक्ने या पिंपल के निशान जो रह गए हैं उसको दूर करने के लिए, आपके चेहरे की लूज स्किन के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही असरदार 100% नेचुरल नुस्खा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ग्लास लेना है और इसमें ऐड करना है आधा ग्लास पानी। इसके बाद आपको इसमें आधा रॉ मिल्क ऐड करना है, कच्चा दूध। साथ में आपको एक पिंच यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ऐड करनी है। इसके साथ आपको इसमें ऐड करना है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर, हल्दी प्लस मुल्तानी मिट्टी पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में आपको इसमें ऐड करना है एक चम्मच शहद। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको इस तरीके का एक आइस ट्रे लेना है या कोई भी आइस ट्रे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दूध हमने रेडी किया है इस दूध को इस आइस ट्रे में आपको पोर कर देना है। अच्छे से फिल करने के बाद आपको इसे फ्रीज़र में रखना है कम से कम 8 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से जम जाए। आइस क्यूब हमारा रेडी है। इस तरीके से आप इसे 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकती हैं फ्रीज़र में और जितनी मात्रा में चाहें उतना इसे आइस क्यूब बना करके इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे रेगुलर आपको डेली 1 आइस क्यूब अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है। ये आपके स्किन के ऑयल को कंट्रोल करेगी, साथ ही आपके चेहरे की झाइयों और दाग धब्बों को भी दूर करेगी। इस आइस क्यूब को आपको अपने पूरे चेहरे में अच्छे से इस तरीके से रब करते हुए लगाना है। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकती तो आप इसे किसी कॉटन के क्लॉथ में ऐड कीजिए और इसे अच्छे से ऊपर से कवर कीजिए और उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए अपने पूरे चेहरे में और नेक एरिया को भी कवर कीजिए। पूरा 1 आइस क्यूब आपका ख़त्म हो जाए आपको इसे अपने चेहरे पे अच्छे से लगाना है और उसके बाद अपने फिंगर की हेल्प से, हाथों की हेल्प से इसे मसाज भी करना है। दूध से अच्छा कोई भी क्लींजर नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूध आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, गंदगी जो भी है उसको तो दूर करती ही है, साथ ही आपकी स्किन में ग्लो लाने का सबसे पहला स्टेप यही फॉलो करती है। ये आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो लेकर के आती है, क्योंकि आइस क्यूब इस तरीके से जब आप इसे रब करेंगे ना तो आपकी स्किन में कसावट आएगी। अगर आपको लूज स्किन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दूर होगी, बढ़ती उम्र में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो रही है तो वो समस्या ख़त्म होगी। आपकी स्किन में ऑयल है वो रिड्यूस होगा, स्किन में आपको ओपन पोर्स की समस्या है वो भी यहाँ पे दूर होगी, साथ ही सन टैन है, सन स्पॉट्स हैं, काले दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं,
या झुर्रियाँ हैं, किसी भी तरह की समस्या हो, ये एक आइस क्यूब्स अगर आप डेली अपने चेहरे पे अप्लाई करती हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा लिया है पूरा एक, और लगाने के बाद आपको एक जो सबसे बड़ी गलती आप करती हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। जब आप इसे अपने चेहरे पे अच्छे से रब कर ले, मसाज कर ले, उसके बाद इसे वॉश नहीं करना है, इसे छोड़ देना है और भूल जाना है कि आपने अपने चेहरे पे कुछ अप्लाई किया है। इसे बिल्कुल आप छोड़ दें, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भूल जाइए, एंड इसके बाद आप इसे वॉश कीजिए नॉर्मल ठंडे पानी से। फेस वॉश भी यूज़ नहीं करना है, तो इसे अपनी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होने दें अच्छे से, उसके बाद ही इसे वॉश करें। तो आई होप गाइस आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।